मालविया और समर्थ की लड़ाई हो गई है, दोनों का रिश्ता जो है ब्रेकअप तक पहुंच चुका। और अब ईशा को ये रियलाइज हुआ कि अभिषेक ही बेटर था। क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। आपको बता दें कि अभिषेक को लेकर ईशा और समर्थ में लड़ाई हुई है। दरअसल पहले ईशा और समर्थ में ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी किसी बात को लेके। होता यह है कि किचन एरिया में अभिषेक ईशा दोनों काम करते रहते हैं, जिसपे ईशा अभिषेक से कहती है कि अगर वो चाहे तो अभिषेक को तुरंत रोक सकती है। तो वहीं समर्थ कहते हैं कि ईशा के मन में अभिषेक के लिए अभी भी फीलिंग है। उसी पे ईशा कहती है कि भाई तू जाना खानदादी के टॉपिक गर्ल मनारा के बारे में स्प्रे कर, तुझे क्या तू बाकी सब लड़कियों के पीछे लो। तो समर्थ जो है वो भड़क जाते हैं ईशा पर। फिर बाद में दोनों आके बेडरूम एरिया में जब बात करते हैं, समर्थ और ईशा में आर्ग्यूमेंट होता है, अभिषेक भी वहाँ पे होता है। अभिषेक बार बार ईशा को शांत रहने के लिए कह रहा है कि ईशा तू शांत हो जा, तुम्हारी बातों से समर्थ हर्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी ईशा जो है वो कंटिन्यू झगड़ा किए जा रही है समर्थ से। और झगड़े में ईशा समर्थ के साथ ये कहती है कि समर्थ से ज़्यादा अभिषेक ईशा को समझते थे, समर्थ से ज़्यादा अभिषेक बेटर थे। इसी को लेके समर्थ जो है वो काफ़ी गुस्सा जाते हैं और अभी समर्थ काफ़ी हॉट होते हैं। और वो ईशा से कहते हैं कि अब वो ईशा का शकल देखना भी नहीं ज़रूरी समझते, उनका शकल उन्हें अभी नहीं भा रहा है। और इसी के बीच में दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई हो जाती है। ईशा जो है वो रोने लगती है, जो कि हमें आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा। वेल, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे? आपको क्या लगता है अब जो ईशा को अभिषेक सही लग रही है, क्या वो सही है? कमेंट में बताएं और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।